हेलो एवरी वन वेलकम टू डिफेंस स्टडीज तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन रीड ए न्यूज़ पेपर इफेक्टिवली फॉर यू पी एस सी सी ए पी एफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स के बीच जो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं जो कि अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर कोई और ऑनर्स सब्जेक्ट से फिजिक्स ऑनर्स हो गए तो टेक्निकल बैकग्राउंड से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको न्यूज़ पेपर रीडिंग में प्रॉब्लम रहती है ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से जो है वो देश दुनिया की जो सोशल प्रॉब्लम्स है या फिर नेशनल इशूज़ है उससे काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहते हैं तो न्यूज़पेपर रीडिंग में उनको एज रहती है तो दिस वीडियो इज़ फॉर दोस् कैंडिडेट जो न्यूज़पेपर ईजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और सी ए पी एफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए किस तरह से उनको ये न्यूज़ पेपर पढ़ना चाहिए फॉर सी ए पी एफ पेपर टू पेपर टू में जैसे ऐसे राइटिंग होता है रिपोर्ट राइटिंग आर्ग्यूमेंट्स फोर एंड अगेंस्ट इन सभी चीज़ों में आप किस तरह से न्यूज़ पेपर की हेल्प से बहुत अच्छी तरह अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं सो दीज आर फ्यू डिटेल्स रिगार्डिंग मी और पेपर टू यह सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको सी ए पी एफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो पार्ट वन और पार्ट बी दो इसमें आपके सेक्शंस हैं पार्ट ए में जो बेसिकली है वो आपके एसेज हैं 80 मार्क्स के आपके एसे आते हैं और की वर्ड हैं जैसे पॉलिटी इकोनॉमी नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी दिस दिस एंड पार्ट बी में जो है वो आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज प्रेस राइटिंग आप किस तरह से न्यूज़पेपर को एनालाइज करके जैसे आपने एक पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ा थ्री हंड्रेड वर्ड्स या फोर हंड्रेड वर्ड्स उसको आप कैसे एनालाइज करके अपने वर्ड में डेढ़ सौ या दो सौ वर्ड में उसको कैसे लिख सकते हैं उसके बाद काउंटर आर्ग्यूमेंट्स किस तरह डेवलप कर सकते हैं कोई भी इशू जो डेली न्यूज में आता है उस इशू को उठा के एक बैलेंस्ड ओपिनियन किस तरह बना सकते हैं ठीक है अभी हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके सामने वो दो हज़ार सोलह का एग्जाम है यू पी एफ यू पी एस से सी ए पी एफ एसोसेंट कमांडेंट एग्जाम पेपर टू का उसमें आपको छः ऐसे दिए जाते हैं छः में से आपको चॉइस है कोई भी चार लिखने की अगर आपको ये सभी छः क्वेश्चन दिए जाते तो आप इसमें से कौन सा यूज़ करते है? पहला है कि ऑनर्स ऑफ मेन्टेनिंग हेल्थ रिलेशन विद नेपाल इज ऑन इंडिया तो इंटरनेशनल रिलेशन का है आप इजीली इस पर लिख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट इस पर लिखेंगे दूसरा है फार्मर सुसाइड ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी को इसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होगी थर्ड जो है इंडिया नीड टू रीडिफाइन द रिलेशन बिटवीन सेंट्रल स्टेट का रिलेशनशिप पूछा गया है और जिन्होंने भी लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी है वो इसको आंसर कर सकते हैं डी इज़ इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट ये एक डिबेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है डायरेक्टली इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको दी नहीं गई है तो डेवलपमेंट ये आपका परस्पेक्टिव है किस तरह की डेवलपमेंट डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रिसोर्स डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किस तरह की डेवलपमेंट ये आपको सोचना है सो इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट ठीक है डिबेट टाइप ऑफ स्टेटमेंट है ये आपको किस तरह बनानी है ये आपके ओपिनियन जानना चाहता है इसमें एग्जामिनर फिफ्थ इज रिवैंपिंग और बैंकिंग सिस्टम इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट लिखते टाइम इसमें प्रॉब्लम फेस करेंगे एंड सिक्स इज अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया इज नथिंग बट ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन सोसाइटी का क्वेश्चन है ये भी डिस्कस करेंगे तो अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट कैसे न्यूज पेपर रीडिंग की जो आपकी हैबिट है वो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को लिखने में हेल्प कर सकती है सो so, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा न्यूज पेपर की कुछ कटिंग्स हैं जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है क्या डेवलपमेंट कोई फॉल्टी डेवलपमेंट मॉडल है या फिर प्रोजेक्ट है जिसका इफेक्ट किस पे है एनवायरमेंट पे तो अभी रिसेंटली ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्थ दिसंबर की न्यूज़ है केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट एक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है जो कि पाँच कुछ किलोमीटर की एक रेलवे लाइन है अक्रॉस द वेस्टर्न घाट ठीक है तो कासगढ़ से तिरुवंतपुरम ये एक फास्ट रेलवे ट्रैक यहाँ पर बिछाया जाएगा उससे क्या क्या इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जैसे वहाँ पे देखे जैसे पैडी फील्ड्स को डिस्ट्रॉय होंगी जैसे वेट वेटलैंड डिस्ट्रॉय होंगे वहाँ की जो हिल है वो भी डिस्ट्रॉय होंगी तो इससे एनवायरमेंट पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा तो डेवलपमेंट हमेशा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ इफेक्ट छोड़ता है एनवायरमेंट पर तो ये एक आपका क्या हो गया एग्जाम्पल आप इसको कोट कर सकते हैं अपने ऐसे में एस में जब इस तरह के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जब आप कोट करेंगे तो इससे आपका ऐसे बहुत एनरिच दिखेगा सभी एक्स से जो लिखेंगे कैंडिडेट उनसे बहुत ही अलग दिखेगा ठीक है दूसरा है अभी रिसेंट एक न्यूज़ थी कि चार धाम जो यात्रा का रोड है वो वाइड वाइड करना था ठीक है सुप्रीम कोर्ट उसको कह रही थी कि नो अगर इसको ज़्यादा वाइड करेंगे तो इस पर क्या है एनवायरमेंटल रिप्रिकॉशन है तो स्लो फेलियर के चांसेस है वहाँ पे ज़्यादा लैंडस्लाइड आ सकती है लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसमें कह रहा था कि वी नीड वाइडर रोड्स फॉर स्ट्रेटेजिक नीड्स तो एक तरफ तो डेवलपमेंट दूसरी तरफ, तरफ क्या है आपका एनवायरमेंटल कंसर्न्स तो कैसे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डेलिकेट बैलेंस एक जो टर्म है डेलिकेट बैलेंस बिटवीन दिस एनवायरमेंटल नीड्स प्लस डेवलपमेंट नीड्स को कैसे बैलेंस किया तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जो हम इसमें कवर कर सकते हैं थर्ड इज ड्राफ्ट ई आई ए नोटिफिकेशन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट की आई थी लास्ट दिस ईयर ठीक है तो उसमें किस तरह से गवर्नमेंट ने डायल्यूट कर दिया था ई के रूल्स को कि ई के रूल्स को अगर हम डायल्यूट कर देंगे तो ईजी एक्वायर हो सकेगी लैंड ठीक है पहले क्या होता था कोई भी आपको प्रोजेक्ट बनाने से पहले यू नीड टू टेक द प्रायर दिस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इस असेसमेंट में आप फाइंड आउट करते थे कि इससे एनवायरमेंट पर कितना इफेक्ट होगा कितनी लैंड वहाँ पर एक्वायर की जाएगी कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी तो उसकी कॉस्ट मेजर की जाती थी ठीक है लेकिन डायल्यूशन किया गया या आई नोटिफिकेशन में फॉर द फास्टर एक्विजिशन ऑफ दिस लैंड ये भी एक आप इसमें कोट कर सकते हैं उसके बाद हम देखें इंडेक्सेस हम इंडेक्सेस पढ़ते हैं बहुत सारे इंडेक्सेस एच डी आई इंडेक्सेज हैप्पीनेस रिपोर्ट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स तो ये एक इंडेक्स है जो आपके इस पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक में काम आ सकता है न्यूज़पेपर से ही आप ये उठा सकते हैं ठीक है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा था वन सिक्सटी एट ऑफ वन एटी कंट्रीज ठीक है अगर हम इंडिया की प्रोफाइल देखें तो इंडिया का स्कोर है बहुत ही ख़राब कह सकते हैं तो 27.6 आउट ऑफ 100, 168 रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ किस किस चीज़ों में इंडिया लैग कर रहा है तो एनवायरमेंटल हेल्थ में एयर क्वालिटी 172 रैंक है आउट ऑफ 180। तो सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर में 139। थर्टी नाइन आप देखिए किस तरह से वी आर गोइंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट एक तरफ तो हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं ठीक है डेवलपमेंट हो भी रही है बट एनवायरमेंट को किस तरह से वहाँ पर इफेक्ट हो रहा है ठीक है किस तरह से एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है ये आपको सभी को देखना है उसके बाद है जैसे वेस्ट मैनेजमेंट इसमें भी इंडिया का जो रैंक है बहुत ही कम है क्लाइमेट चेंज पॉल्यूशन एमिशन एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्सेज तो इन सभी चीज़ों पे इंडिया को फोकस करना है टू मेक अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई भी डेवलपमेंट सस्टेनेबल होनी चाहिए फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फिफ्थ जो न्यूज मैंने इसमें ली है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन से मीन्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट या फिर हमने देखा है आफ्टर इंडिपेंडेंस वी नीड वी वीर इन्वेस्टेड लॉट ऑन एग्रीकल्चर उसके क्या रेपरकेशन है उसके रेपरकेशन है कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स है लाइक पंजाब हरियाणा एंड यूपी बेल्ट में जितने भी स्टेट आते हैं वहाँ पे हमने देखा है कि जो वाटर टेबल का डिप्लेशन हुआ है ड्यू टू ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर इन पैडी कल्टिवेशन लगा लीजिए या फिर शुगर केन इन कल्टिवेशन तो एक तरफ तो डेवलपमेंट हो रही है नो डाउट फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू दिस एम देने के लिए और ग्रीन रेवोल्यूशन से बट एक तरफ एनवायरमेंट पर क्या उसका इफेक्ट हो रहा है ड्यू टू हाई यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स ठीक है एक तरफ से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आप लिख सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड के फॉल्टी डेवलपमेंट मॉडल है वी नीड अ मोर सस्टेनेबल ग्रीन रेवोल्यूशन रादर देन जस्ट अ ग्रीन रेवोल्यूशन फोकस्ड ऑन हाई इनपुट सिक्स जो हम मैंने यूज़ किया है नीदर गवर्नमेंट जो अभी अगर हम देखें तो प्रोटेस्टिंग फार्मर की बात हो रही थी प्रोटेस्टिंग फार्मर दे आर लुकिंग फॉर अ मोर एम एस पी मॉडल ठीक है गारंटेड एम एस पी होनी चाहिए थी बट जो गवर्नमेंट है वो कह रही थी नहीं वी कांड गिव यू दिस गारंटिड एम एस पी नहीं दे सकते तो मेन इशू जो है एम एस पी देने के बाद भी जो अगर एग्रीकल्चर का उस पर देखें इफेक्ट एनवायरमेंट पर वो ख़त्म नहीं होने वाला है फार्मर्स कीप ऑन एक्सट्रेक्टिंग ओवर दिस ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर का एक्सट्रेक्शन ऐसे ही चलता रहेगा फॉल्टी जो मैथड्स हैं फार्मिंग के आउटडेटेड ट्रेडिशनल ठीक है यूजिंग ऑफ मोर पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन द लैंड उससे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है बायोडाइवर्सिटी पे फर्क पड़ता है ठीक है तो ये तो चलता ही रहेगा तो वी नीड टू फाइंड आउट मोर सस्टेनेबल मॉडल सेवन जो मैंने एग्जाम्पल यूज़ किया है वो है अर्बनाइजेशन का कि अर्बनाइजेशन कैसे इफेक्ट डालती है हमारे एनवायरमेंट पर जितनी ज़्यादा कंक्रीट हम यूज़ करेंगे अर्बनाइजेशन अर्बन एरियाज़ में वहाँ हमने देखा है कि एक माइक्रो क्लाइमेटिक चेंज हमें दिखता है अगर सिटीज़ में बात करें तो वहाँ पे गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू विलेजेस ठीक है ड्यू टू दिस कंक्रीट स्ट्रक्चर वो ज़्यादा हीट एब्बॉर्व करता है सो द वाइल्ड द प्रेशर ऑफ डेवलपमेंट हैव ग्रोन सो हैज़ अवर एबिलिटी टू अडेप्टवर सोसाइटी इकोनॉमीज़ एंड पॉलिटिक्स फॉर अ ग्रीन एंड हेल्दी फ्यूचर तो फ्यूचर हमारा कुछ तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और एक तरह से जब भी हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमेशा बढ़ता जाता है इट इज़ ऑफ एक्सपेंशन नेचर सिटीज़ हमेशा क्या है बढ़ती रहती है सिटीज़ पहले अगर 1960 में इतनी थी तो 70 में इतनी हो जाएगी 80 में एटनी टू में इतनी तो हर ईयर इन ईयर इट विल बी एक्सपेंडिंग तो एक्सपेंड जब करती है तो एग्रीकल्चर लैंड जो होता है सिटी के अक्रॉस ठीक है विलेज और कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ ठीक है वाटर बॉडीज़ का दिस कांटेमिनेशन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें अर्बनाइजेशन करते टाइम एनवायरमेंटल पे इफेक्ट डालती हैं उसके बाद है एट अगर हम कोल माइनिंग की बात करें एक रिसोर्स डेवलपमेंट एक हेडिंग है ठीक है रिसोर्स डेवलपमेंट हेडिंग है आपकी तो रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर आप क्या बात कर सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल उससे क्या प्रॉब्लम होती है वहाँ के जो एरियाज़ हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कोई भी हिल होती है उस पर पहले मैपिंग होती है जोलॉजिकल सर्वे होता है उसका फाइंड आउट करते हैं कि इस हिल के अंडर कितना कोल दबा हुआ है तो उस हिल को पूरा डिस्ट्रॉय किया जाता है वहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं उसका डिफॉरेस्टेशन किया जाता है ठीक है ट्रीज़ का फॉरेस्ट कवर का उसके बाद जो ये फ्लाई ऐश है कोल की वो बहुत दूर किलोमीटर तक भी जाके वहाँ पे सेटल होती रहती है तो वहाँ की जो हैबिटेशन है वाइल्ड लाइफ है या फिर जितने भी फॉरेस्ट या फिर स्मॉल प्लांट्स हैं वो इससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ये भी एक कोस्ट है किसकी डेवलपमेंट की ऑन द एन्वायॉयरमेंट उसके बाद नाइन्थ इंपॉर्टेंट केस है आर जो आर्य फॉरेस्ट था महाराष्ट्र में उसको कट डाउन किया जा रहा था फॉर द सेक ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस कार शेड फॉर मुंबई मेट्रो ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी कि आप कट डाउन नहीं कर सकते किसको दिस फॉरेस्ट को फॉर द सेक ऑफ जस्ट कार शेड ठीक है इंपॉर्टेंट केस है अगर आप ये ऐसे में लिखते हैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके कि हाँ डेवलपमेंट का या फिर फॉल्टी डेवलपमेंट का क्या इफेक्ट है इन्वायरमेंट पे तो बहुत ही ज़्यादा आपका ऐसे जो है इन हो जाएगा उसके बाद है सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम काफ़ी एनवायरमेंटलिस्ट आए थे जब ये प्रोग्राम चल रहा था जब सेंटर ने इसको बोला था कि वी विल बी कम्प्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट जो 2020 जो भी इसकी डेडलाइन है उसके बाद उन्होंने बोला था कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो ट्रीज़ हैं उनको कट डाउन करना पड़ेगा लेकिन जब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असमेंट हुआ अंडर द सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन गाइडेंस में उन्होंने बोला नो लॉस ऑफ ग्रीन कवर ड्यू टू सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेज यूनियन गवर्नमेंट ने बोला उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको क्या किया रिहाइड्रेट करा तो ये कंसर्न देखिए आप कि डेवलपमेंट एक तरफ है दूसरी तरफ एनवायरमेंट ये डिबेट आज से नहीं चली हुई बहुत पहले से चली हुई है तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर दी है तभी तो हमने नेशनल ग्रैंड ट्रिब्यूनल बनाया 2010 में एनजीटी एक्ट आपने पढ़ा होगा इलेवेंथ है जो है कटिंग वो है अमेजन से रिलेटेड अब अमेज़न फॉरेस्ट में हमने देखा था कि अमेजन में बहुत ही ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ के ट्रीज़ का जंगल्स का उसको हम क्या बोलते हैं लंग्स ऑफ द दिस अर्थ और रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं इसको तो रेन फॉरेस्ट और लंग्स ऑफ द अर्थ उसको डेलीबरेटली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ठीक है क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ज़्यादा इस फॉरेस्ट में रिसोर्सेज हैं कोल लगा लीजिए या फिर किसी भी तरह का आ, यूरेनियम लगा लीजिए यहाँ पे इन्होंने एनालाइज़ किया है तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए फॉर द सेक ऑफ़ डेवलपमेंट एनवायरमेंटल पे कितना ज़्यादा इफेक्ट है एनवायरमेंट पे उसके बाद है जो केरला की लैंडस्लाइड स्लाइड इडुकी डिस्ट्रिक्ट में हुई थी लैंडस्लाइड उसमें अराउंड काफ़ी लोग मरे थे तो मेन जो उसमें इशू था वो था एक स्लोप पे कंस्ट्रक्शन की गई थी ठीक है एक स्लोप था उस पर सबसे पहले क्या किया ट्रीज़ को काटा गया ट्रीज़ को काटने के बाद फॉरेस्ट को काटने के बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई कंस्ट्रक्शन होने से क्या हुआ जब ट्रीज है वो होल्ड करते हैं सॉइल को और जब ये इंसिडेंट हुआ उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी तो बारिश होगी तो टेंडेंसी होती है दिस लैंड स्लाइड की तो हैवी सॉइल हो जाती है वो मूव करने लगती है क्रीपिंग नेचर की होती है सॉइल तो वहाँ पे ड्यू टू डिड ऑफ़ एनी दिस ट्रीज और छोटी छोटी चीज़ें जो वहाँ पर कट डाउन कर दी थी तो सॉइल बिकम स्टार्टिंग फ्लोइंग तो वहाँ पे लैंडस्लाइड जैसे एक सिचुएशन हो गई बहुत सारे लोग मारे गए इसमें तो अगर हम देखें व्हाट ट्रिगर्ड द लैंडस्लाइड इसमें बोलते हैं हाई रेनफॉल हुई और उसके बाद इंटरवेंशन सचेज बिल्डिंग स्लोप्स विद एडुकेट प्रोडक्टिव विदाउट एडुकेट प्रोडक्टिव मेजर्स और ब्लॉकेज भी हुआ रिवर्स में आर्टिक सी आइस तो आर्टिक सी में जो आइस का जो मेल्टिंग है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो गई है ठीक है आफ्टर दिस ग्लोबल वार्मिंग और दिस क्लाइमेट चेंज की बात से उससे क्या हमारे एनवायरमेंट पर फ़र्क पड़ने वाला है एलबीडो इफेक्ट हम देख सकते हैं मिथेन की रिलीज़ रिलीजिंग फास्ट हो जाएगी परमा फ्रोस्ट में जो भी मिथेन का कैप्चर है वो क्या हो जाएगा रिलीज़ हो जाएगा एंड ट्रेब्ड मिथेन वहाँ से निकल जाएगी उसके बाद ग्रीन लैंड आइस शीट मेल्ट हो जाएगी इंक्रीजिंग द वाटर वेपर जो सी का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और रिवर्स में ज़्यादा पानी आ जाएगा तो वहाँ पर फ्लडिंग लाइक सिचुएशन हो जाएगी तो अब आ जाते हैं हम इज़ डेवलपिंग पॉसिबल इज़ डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट तो ये था मेरा ब्रॉड फ्रेमवर्क जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ पहले जो मैंने बताया था वो न्यूज़ की कटिंग्स है कि न्यूज़पेपर कैसे आपको हेल्प कर सकता है ऐसे राइटिंग में और ये है फ्रेमवर्क इस ऐसे को आप किस तरह से लिख सकते हैं जो कि स्टेटमेंट जो है वो आपकी डिबेट टाइप की है क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है ना तो डिबेट आता है आपका एग्जामिनर तो डिबेट में आपको बैलेंस ओपिनियन देना है फाइनल में कंक्लूजन भी लिखना है आपको एक साइड ठीक है एक साइड लेनी है कि डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल एट द कोस्ट ऑफ़ द एनवायरमेंट वी नीड टू वी नीड टू एस्टेब्लिश अ डेलीकेट बैलेंस ठीक है इस तरह से आप इसको क्या करेंगे अप्रोच करेंगे ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए तो इसमें आप ग्लोबल इश्यूज भी ले सकते हैं बिकॉज डेवलपमेंट इंडिया के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा ग्लोबल भी ले सकते हैं ग्लोबल एग्जाम्पल जैसे हमने लिया आर्टिक आइस मेल्ट का या फिर अमेजन रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट चेंज का ले सकते हैं उसके बाद नेशनल इशू में हमने पूछा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज़ इन हिल्स अभी चार धाम यात्रा जो प्रोजेक्ट है उसमें हाईवे कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल ले सकते हैं केरला लैंडस्लाइड का मुंबई अहमदाबाद से बुलेट ट्रेन जो जा रही है कितनी एक्विजिशन हुई है और एग्रीकल्चर लैंड का एक्विजिशन हुआ है कट डाउन ऑफ ट्रीज़ और यू का यू में जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था रिसेंटली काफ़ी इन्वायरमेंटलिस्ट उसको बोलते हैं ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड वहाँ पे माइक्रो क्लाइमेटिक चेंज हो गया है ठीक है फैलिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट इसी लिए हुआ है नेक्स्ट इज़ लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन ये भी एक इशू है ड्यू टू डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करें वर्सेस एनवायरमेंटल इशू ग्रीन रेवोल्यूशन ने किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट की है डिग्रेडेशन ऑफ सॉल एंड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्या क्या प्रॉब्लम हमने फेस की है एयर पोल्यूशन की वाटर पॉल्यूशन की नॉइज पॉल्यूशन की किस तरह की इंडस्ट्रीज जैसे कॉल इंडस्ट्रीज हो गया लेदर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज यही हैं उसके बाद अर्बनाइजेशन वर्सेज एनवायरमेंट अर्बनाइजेशन से क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करने को देखी है जैसे लॉस ऑफ फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन जब भी डिफॉरेस्टेशन होता है तो वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसमें जो वाइल्ड लाइफ है वो सिटीज़ की तरफ मूव करने लगती है ठीक है उससे हमने देखा कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है एक्विजिशन ऑफ फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर लैंड का एक्विजिशन होता है अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है तो अर्बन हीट आइलैंड हमने देखा है और स्लम्स का फॉर्मेशन भी होता है तो एनवायरमेंट पे इस पर इफेक्ट किस तरह से पड़ता है स्लम्स में ना तो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होती काफ़ी अच्छी ठीक है उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहाँ पर फ्रेजाइल एरिया या फिर इको सेंसिटिव जोन्स में जैसे केरला की बात करें वेस्टर्न घाट की बात करें और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की करें हिमालयन स्टेट्स की करें ये क्या है इको सेंसिटिव जोन्स यहाँ पे जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करेंगे ऑन द स्लोप्स वैल कटिंग डाउन ट्रीड्स या फिर रोड की कंस्ट्रक्शन है तो इन द एंड वो एनवायरमेंट पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं जैसे डैम्स होगी गए टनल्स होगी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर एक क्वेश्चन पूछा था अभी डिस्कस करेंगे किसी ए एग्जाम में इंटर ऑफ रिवर्स पर भी क्वेश्चन पूछा था केरला लैंड स्लाइड जैसी और मुंबई आर एफ फॉरेस्ट ट्री फैली ये एक एक्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे इसके बाद रिसोर्स डेवलपमेंट कॉल एक्सट्रैक्शन या फिर कमर्शियल एक्सप्लाइटेशन ऑफ़ फॉरेस्ट उसके बाद है एनवायरमेंटल मूवमेंट जो इंडिया में हुई थी ये तो आपको या तो इंट्रोडम में लिखना चाहिए या फिर बॉडी में कि किस तरह की एनवायरमेंटल मूवमेंट हमारे पास यहाँ पे इंडिया में हुई थी जैसे चिपको मूवमेंट की बात करें 1973 में और जंगल बचाओ आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी डैम नाइनटीन जब भी कोई डैम बनता है वहाँ पे किस तरह से डिस्प्लेसमेंट होती है लोगों की और सबमर्जेंस होता है किसका फॉरेस्ट का तो फॉरेस्ट का सबमर्जेंस होता है अंडर वाटर वहाँ पर जितनी भी वाइल्ड लाइफ है या फिर और फॉरेस्ट है वो क्या होती है ख़राब हो जाती है सुंदरलाल भगना ठीक है अभी रिसेंटली उनका क्या हुआ है निधन हुआ है बहुत ही जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट थे उसके बारे में और पढ़िए उनके बारे में अब वे फॉरवर्ड की बात करते हैं कि डेलीकेट बैलेंस सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी बोला है कि डेवलपमेंट नीड भी पूरी होनी चाहिए उसके बाद उसके साथ साथ एनवायरमेंटल सिक्योरिटी जो एनवायरमेंटल कंसर्न है वो भी एड्रेस होनी चाहिए तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन थी फ्रंट लाइन कमीशन ने दी थी नाइनटीन में ठीक है वो भी आप इसमें कोट कर सकते हैं तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर मैं आपको सोर्स बताऊँ इसका क्या है तो सोर्स सिर्फ न्यूज़पेपर है कोई भी आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है सी एग्जाम के लिए स्पेशली आप सिर्फ न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए न्यूज़पेपर से ही आप इतना अच्छा ऐसे लिख सकते हैं बस प्रोवाइडेड आपको एक अप्रोच आनी चाहिए कि क्या क्या इसमें रेलिवेंट लिख सकते हैं मैंने आपको इतना डेटा दे दिया है कि आप इसमें कम 1200 से कम बारह वर्ड्स लिख सकते हैं एक्सप्लेन करके ठीक है इस डेटा से ही लेकिन आपको चैलेंज आपके सामने क्या है कि तीन वर्ड्स में ही आपको लिखना है तीन सौ वर्ड्स में ही आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है वे फॉरवर्ड लिखना है बॉडी भी लिखनी है ठीक है ये आपके सामने एक बड़ा चैलेंज है तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर मत कीजिए आपको एक्वायर क्या करना है सिर्फ एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं ठीक है उसको एग्जाम्पल्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा तो मैं पिछले प्रीवियस ईयर की बात करूँ अगर एक क्वेश्चन पूछा था तो टू में सी एग्जाम में सस्टेनेबल फार्मिंग इज़ द नीड ऑफ द आर देन रेटोरिकल प्रोमिसिस तो एनवायरमेंट पर कितना ज़्यादा फोकस है यू का ठीक है अभी पूछा है जो अभी क्वेश्चन डिस्कस किया है इस डेवलपमेंट इज पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट तो एनवायरमेंट को ही घुमा फिरा के यहाँ पे पूछ लिया कि सस्टेनेबल फार्मिंग तो एक फार्मिंग जो एग्रीकल्चर है वो किस तरह से इफेक्ट डालता है किस पर एनवायरमेंट पर हमें अभी डिस्कस किया है यही घुमा के यू ने अभी पूछ लिया ठीक है सस्टेनेबल फार्मिंग के ऊपर उसके बाद क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग द रिवर्स इन इंडिया अब ये स्टेटमेंट है ओपन स्टेटमेंट है ओपन स्टेटमेंट है इसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे काफ़ी मेरिट्स भी हैं डीमेरिट्स भी हैं डीमेरिट्स सबको पता है कि क्लीनिंग कनेक्टिंग द रिवर्स जब भी रिवर्स कनेक्ट होती हैं वहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न रहती ही है तो इनडायरेक्टली आपको एनवायरमेंट के बारे में भी लिखना है इस पर उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया फिर आ जाते हैं अनवायरमेंट पर जो और क्वेश्चन आए हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ऑर्गनाइजेशन इजाइडस टू ह्यूमन हेल्थ नॉट ओनली ह्यूमन हेल्थ प्लस एनवायरमेंट ठीक है क्योंकि अर्बनाइजेशन जब भी होगी उससे क्या होगा एनवायरमेंट पे फर्क पड़ेगा एनवायरमेंट जब खराब होगा तो ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा तो सभी क्या है इंटरलिंक्ड है ये आपको समझना पड़ेगा उसके बाद है द अर्थ इज़ नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली एनवायरमेंट पे ही क्वेश्चन है इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट जो अभी हमने अभी डिस्कस किया है तो आगे अगर आपको ऐसे राइटिंग सीखनी है ऐसे राइटिंग के लिए हमने ऑलरेडी टेन टू फिफ्टीन वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं यूट्यूब चैनल पर डिफेंस स्टडीज वहाँ पर आप जाएंगे ऐसे राइटिंग सी ए पी एफ पेपर टू वहाँ पर एक प्ले लिस्ट होगी यू कैन गो ऑन दिस प्ले लिस्ट वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं अराउंड टेन टू फिफ्टीन वीडियोज़ हैं विद मॉडल एस एस ए का डिस्कशन किया गया है सभी काफ़ी लोग आपको बता देंगे कि ऐसे में ये लिखना चाहिए वो लिखना चाहिए लेकिन थ्री हंड्रेड वर्ड्स में एग्जैक्ट जो ऐसे है वो आपको दिया गया है वहाँ पर ठीक है आप यू पी एस सी में किस तरह से लिख के आ सकते हैं इंट्रोडक्शन कैसा आपको कंटेम्प्रेरी टाइम्स के हिसाब से लिखना चाहिए और टॉपिक जिस तरह का है आपसे अगर पॉलिटिकल टॉपिक पूछा है इकोनॉमिकल टॉपिक पूछा है या फिर ठीक है एनवायरमेंटल पूछा है किस तरह का टॉपिक पूछा तो उस तरह आप से आपको इंट्रोडक्शन चेंज करना है तो ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पे ऐसे राइटिंग इस प्ले में डिस्कस की है यू कैन ऑल्सो गो ऑन दिस ऐप इस ऐप से भी आप काफ़ी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं फ्री मेटीरियल ग्रामर की जो सी ए ग्रामर पूछी जाती है वहाँ पर हमने काफ़ी लेक्चर अपलोड किए गए हैं ठीक है प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन है प्लस कुछ फ्री वीडियोज़ भी हैं वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो यू कैन गो ऑन दिस टेलीग्राम चैनल डिफेंस स्टडीज यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं सो वी वाइंड अप हेयर नेक्स्ट टाइम अगेन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे फॉर सी एप एफ असिस्टिट एग्जाम